अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीवीएस हेल्थ एंड पीपल की जानिब से आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपके लिए मुफीद साबित हो रही होंगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ बआसानी मैसर होती रहें और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वैक्स बनाना सिखाऊंगा जिससे आप अपने गैर ज़रूरी बालों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर पाएंगे। अक्सर मर्द और ख़वातीन हजरात अपने गैर ज़रूरी बालों की वजह से परेशान रहते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो कि ब्यूटी पार्लर में भी जाती हैं गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करने के लिए या फिर घर में कोई क्रीम वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करती हैं, उससे होता यह है कि वक्ती तौर पर तो आपके बाल गायब हो जाते हैं लेकिन कुछ अर्से के बाद दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं। मैं जो आपको वैक्स बनाने का तरीका बताऊंगा उससे आपके बाल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। एक बार लगाने से नहीं होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कितनी बार लगाना है। और आप बाज़ार से लाई हुई कोई क्रीम या कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो उनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसा कि उनसे आपकी जिल्द पर रैशेस पड़ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन जो मैंने वैक्स बनाने का तरीका आपको बताऊंगा उसमें ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब नेचुरल चीज़ों से बनी हुई हैं तो उसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बल्कि इसके बहुत से फ़वाद हैं। आप जैसा कि ये आपकी जिल्द को नरम मुलायम रखती है, जिल्द को चमकदार बनाएगी आपकी, और उसके बाद आपके जो मसाम खुल जाते हैं इसको इस्तेमाल करने से और उनमें फंसी हुई गर्दो गुबार साफ़ हो जाएगी, जिससे आपकी जिल्द का रंग भी गोरा होगा और वो नरम मुलायम हो जाएगी। ये वैक्स काम कैसे करेगी, अपना असर कैसे दिखाएगी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ही आप पहली बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल गायब हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ अर्से के बाद आएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आएंगे और पतले हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। तो आपको मैं तरीका बताऊंगा कितना अर्सा इस्तेमाल करना है। आहिस्ता आहिस्ता ये पतले होते होते एक दो से तीन बार इस्तेमाल करने के बाद ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे, इस तरह आपके बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे गैर ज़रूरी बाल। अब आपको जो अशिया दरकार होंगी वैक्स बनाने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। चार चीज़ें, सिर्फ चार चीज़ें चाहिए होंगी आपको। नंबर एक पे सफ़ेद चीनी एक खाने का चम्मच, शहद एक चाय का चम्मच, लीमू का रस एक चाय का चम्मच, पानी हसबे ज़रूरत। अब इनसे वैक्स बनाने का तरीका कुछ ऐसे है कि आप चीनी ले लें और उसको किसी फ्राई पैन या कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो गर्म करने के लिए उसमें डाल दें और उसको उस चीनी को चूल्हे से हीट अप करें, और जैसे ही आपको लगे कि चीनी पिघलना शुरू हो गई है या फिर जलने लगी है, आपने क्या करना है कि शहद और लीमू उसको भी फ्राई पैन में डाल देना है और हीट अप करना है। और अब जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो अब आप इसको नीचे चूल्हे से नीचे उतार लें, और अगर आपको लगे कि यह महलूल काफ़ी गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी भी बीच में ऐड कर लें। उसके बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें, और अगर इस्तेमाल करना है तो अभी इस्तेमाल कर लें या फिर फ्रीज़र में रख दें। अब जब भी आपने अपने गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करना हो तो नहाने से 10 से 15 मिनट पहले आप इस वैक्स को उस जिस्म के हिस्से पे लगा लें जिस जहाँ से आपने बाल ख़त्म करने हैं, और इसको लगा रहने 10 से 15 मिनट और फिर नहा लें। और जब आप पानी गिराएंगे जिस्म के हिस्से पर तो आपके बाल भी साथ ही गायब हो जाएंगे। बालों के मुकम्मल खात्मे के लिए आपने ये नुस्खा 15 दिन के बाद करना है, और 3 से 4 बार आप इसको ज़रूर करें ताकि आपके बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएं। इंशाल्लाह आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगे। इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा, ये आपके हुस्न को 4 चांद लगा देगा।